एक्सरसाइज 10.1 लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ इट ड्रा अ लाइन एल हियर इज द स्टेटमेंट ड्रा अ लाइन एल ड्रा अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एच 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल थ्रू एच ड्रा अ लाइन एम पैरेलल टू एल ओके फर्स्टली यू हैव टू ड्रा अ लाइन एल सबसे पहले क्या करना है आपको जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है बेटा आपको एक लाइन ड्रा करना है एल ऑफ एनी लेंथ यानी किसी भी लेंथ का एक लाइन एल ड्रा कर लेंगे ओके ये आपने ड्रा कर लिया लाइन एल नाउ कंस्ट्रक्शन है ना आपका ये इसमें करना क्या आपको इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जैसा इनका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे ड्रा अ लाइन एल ड्रा परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल यानी एल के किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ठीक है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको बोर्ड का यूज करना बताया गया है बाई यूजिंग प्रोटेक्टर और कंपास यानी दोनों का यूज करके आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ठीक है लेट्स से यस सर अगर हमें कंपास से यूज करना होता प्रोटेक्टर ना होता हमारे पास तो हम कैसे करते हैं यहाँ से एक आर्क से ड्रॉ करते हैं तो हम एनी पॉइंट यानी किसी पॉइंट से लेकर एक आर्क ड्रा कीजिए लेट से यहाँ से हमने इसको एज ए सेंटर लेकर एक आर्क यहाँ ड्रा किया ऐसे देन आफ्टर क्या करते सेम डिस्टेंस लेके यानी कंपास में डिस्टेंस चेंज नहीं करना आपको सेम डिस्टेंस लेके इस आर्क को टू टाइम कट करते हैं वन देन आफ्टर टू ये टू टाइम कट हो गया देन आप अब इसके बाद क्या करते हैं सेकेंड पोर्शन को इस आर्क के सेकेंड पोर्शन को हम बाइसेक्ट करते हैं जो फर्स्ट पोर्शन है उसको नहीं सेकेंड पोर्शन को बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल फॉर्म करना है कितने का एंगल फॉर्म करना है 90 का 90 मीन्स 60 प्लस 30 यस बेटा 90 मीन्स 60 प्लस 30 इट मीन्स ये 60 और इस 60 को बाइसेक्ट करेंगे देन आपका 90 एंगल फॉर्म हो जाएगा ओके यहाँ से इसको बाइसेक्ट करने के लिए जरूर होता बेटा आप लाइन और एंगल को बाइसेक्ट करना सीखे हैं ठीक है लाइन और एंगल को बाइसेक्ट करना आपको आता है तो उसी को बिहाव पे हम कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ करेंगे लेकिन मोर देन हाफ डिस्टेंस यहाँ से लेकर एक आर्क आप अनदर आर्क यहाँ पे ड्रा करते हैं और सेम डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर देंगे यहाँ से ऐसे रखकर इस आर्क को ऐसे कट कर देंगे कट करते हैं जिस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को डॉटेड लाइन के थ्रू मीट करा देते हैं इस बेस लाइन के पॉइंट पे जहां से आपने Now, this is the perpendicular line L, sorry, perpendicular on L. ये क्या है एक लाइन है जो L से परपेंडिकुलर है ठीक है और नहीं तो आप कंपास का यूज करते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है कंपास का यूज सॉरी प्रोटेक्टर का यूज करते हैं तो डायरेक्ट भी हो जाता है बिकॉज कुछ बोला नहीं गया स्टेटमेंट की कंपास का यूज करना है तो प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते थे L लाइन है यहाँ से आप प्रोटेक्टर का यूज करके 90 का एंगल फॉर्म कर सकते थे प्रोटेक्टर के थ्रू तो मेजर करना आता है ना आपको 90 मतलब कुछ नाइनटी क्यों कोई भी एंगल ड्रा करना हो तो कर सकते हैं ना यस सर ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एच 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल बेटा कह रहे हैं यहाँ से इसी लाइन पे इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट एच चूज करना है आपको दैट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल यानी एल से कितनी दूरी पर वो पॉइंट है एक्स इस लाइन पे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्या करना होगा 4 cm मेजर करके कंपास में ऐसे 4 cm मेजर करके इस पॉइंट से हमें 4 cm ऐसे कट कर देना होगा जहां पे कट करेगा वो पॉइंट होगा आपका एक्स क्या होगा एक्स क्या तो इसमें भी सेम आज ही करेंगे ऐसे 4 cm मेजर करेंगे मेजर करने पे जहां पे कट करेंगे वही पॉइंट आपका एक्स हो जाएगा ओके सेम एज अब क्या करना है यस सर टू एक्स यू हैव टू ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन टू एल ओके यानी एक्स से होकर जाने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है जो एल के पैरेलल हो ठीक है सॉरी परपेंडिकुलर नॉट यू हैव टू ड्रा अ पैरेलल लाइन टू एल टू एक्स ओके यस सर ठीक है बेटा सेम एज कॉन्सेप्ट इससे पहले का कॉन्सेप्ट अच्छा मैंने इससे पहले एक चीज बताया था कि पैरेलल लाइन
को ड्रा करने का जिससे पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ जल्दी से। मैंने क्या कहा था, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर के थ्रू होकर एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है टू अनदर लाइन, तो हम क्या करते थे, मान लीजिए लाइन एम था आपका, या आपका कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, तो हम क्या करते थे इस पॉइंट पी को इसके किसी भी पॉइंट से मीट करा देते थे, ज्वाइन करा देते है ना। यहाँ से क्या करते थे, हम एक आर्क यानी एंगल फॉर्म करते थे, सेम एंगल यहाँ पे हमें फॉर्म करना होगा, बिकॉज ऐसा ये कॉन्सेप्ट ऐसा यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज यू नो दैट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सॉरी ऑफ टू पैरेलल लाइंस और मोर देन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यहाँ का एंगल बेटा यहाँ के एंगल के इक्वल होता है, ऐसा अगर कंडीशन है, इट मींस बोथ आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल, इफ पैरेलल इफ देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन ए इज पैरेलल टू बी। ओके, यानी अगर इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये ए और बी आपस में पैरेलल होंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम, इस एंगल के जितना एंगल ये फॉर्म हुआ, सेम एंगल अगर यहाँ पे फॉर्म कर दें तो हम कह सकते हैं बोथ पी से होकर जाने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, वो एम के पैरेलल होगी। ये ऐसे यहाँ पे भी करना है आपको, यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है तो सेम है यहाँ भी 90 का एंगल फॉर्म होना चाहिए, तो 90 मीन्स यहाँ पे फॉर्म करो, यहाँ 90 फॉर्म करो, बात एक ही है। चलिए हम बताते हैं कैसे करेंगे। ये आपका पॉइंट एक्स था, यहाँ पे ये कट किया है, ठीक है, पॉइंट एक्स That is 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L. L से कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसको यहां ना दिखाना चाहते हैं तो साइड में दिखा दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ 90 का एंगल फॉर्म हुआ है तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस पॉइंट X पे भी 90 का एंगल फॉर्म करेंगे टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में हम X का मतलब वो सॉरी यस बेटा 90 का एंगल फॉर्म करेंगे, तो 90 का एंगल फॉर्म करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, चाहे तो आप कंपास का यूज कर लो या प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, यहाँ से क्या करेंगे ऐसे एक आर्क ड्रा कीजिए। ओके ठीक है, आर्क ड्रा कर लीजिए आपने, ये 90 के एंगल के लिए आर्क है, आपने आर्क ड्रा किया सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ से भी। मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, ज्यादा बताया नहीं बट जो बताया वो तो समझ आ रहा है ना। क्या करना, सेम यहाँ से एक आर्क जितना डिस्टेंस लेकर आपने आर्क ड्रा किया सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, यहाँ से भी अनदर आर्क ड्रा करना, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ये जितना हमने ड्रा किया था सेम डिस्टेंस लेकर पॉइंट एक्स के थ्रू एक अनदर आर्क ड्रा किया टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। ओके नाउ अब क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं, इस आर्क के लेंथ को मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जितना लेंथ होगा इसका सेम है, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, कट करने पर ऐसे पाएंगे जिस पॉइंट से कट करेगा उस पॉइंट को यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को और एक्स को मीट कराते हुए हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आगे तक, और ये जो लाइन फॉर्म होगा ये पैरेलल होगा टू एल, ठीक है, थ्रू एक्स। समझा रही है ना बात? यस सर। रफी का फिर से बता रहे हैं मैं इसको कैसे करना है, रफी बता रहा हूँ बट अगेन इसको भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, एक लाइन एल ड्रा किया, जो इन्होंने कहा था हमने ड्रा कर लिया, इन्होंने कहा था इसके किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो हमने मान लीजिए हम प्रोटेक्टर का यूज करके एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट पे। ओके अब ये परपेंडिकुलर ड्रा तो कर लिया, कंपास का यूज करके इसके लिए एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। नो, उससे पहले उन्होंने कहा था फाइंड द पॉइंट एक्स व्हिच इज ऑन परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, यानी जो 4 सेंटीमीटर अबे है एल से वो एक्स पॉइंट को फाइंड कीजिए। तो यहाँ से हमने एक्स के लिए क्या किया, इस लाइन एल परपेंडिकुलर लाइन पे 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया, 4 सेंटीमीटर जहां कट करता वो पॉइंट क्या हो जाता, एक्स हो जाता।
बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड था ऐसा। फिर हमने क्या किया इसके लिए, सेम एज यहाँ से एक आर्क्रा करते हैं यानी एंगल फॉर्म करते हैं, ये एंगल ऐसे फॉर्म हुआ, सेम डिस्टेंस लेके यहाँ से भी हम ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी आर्क की लेंथ को मेजर कर लेते हैं, जितना होगा यहाँ से जिस पॉइंट से लेकर आपने आर्क को ड्रा किया है वहां से क्या करते हैं इस आर्क को कट कर देते हैं, ओके। कट कर दिया, अब इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक्स को मीट करा देते हैं। नाउ दिस इज पैरेलल टू एल, ओके, द लाइन अनदर लाइन व्हिच पासेस थ्रू एच पैरेलल टू एल, ओके। यू विल कंस्ट्रक्ट नाउ पॉइंट नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात आती है। Let L be a line and P be a point not on L. See, man? Let L be a line. And P be a point not on L. Through P, draw a line M parallel to L. Now, join. चलिए ठीक है, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं इन्होंने कहा क्या क्या, एक लाइन एल ड्रा कीजिए, क्या आपने कर भी लिया, एल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन एल है, थोड़ा सा प्लांट हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन करना हमें बेटर यही होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए तो प्लांट लाइन नहीं करना, ये एल लाइन है, ठीक है, करें L be a line and P be a point not on L. P एक पॉइंट है जो L से नहीं है, तो इसके किसी भी आउटसाइड से, वो डाउन साइड हो सकता है, अगर हो सकता है कोई नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए ऊपर ही मान लेते हैं। टू पी ड्रा अ लाइन M पैरेलल टू L, हमें क्या करना है इस P से होकर जाने वाला एक लाइन M ड्रा करना है जो किसके पैरेलल होगा, L के पैरेलल होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट P को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए, L के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन कर दिया, देन आफ्टर क्या करते हैं इसके लिए आर्क ड्रा कर देते हैं, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए एक आर्क ड्रा किया, सेम एज सेम डिस्टेंस लेके यहाँ से उतना ही आर्क ड्रा करेंगे, मतलब उतना ही नहीं वही डिस्टेंस के आप अनदर आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। यस, मेजर द लेंथ ऑफ दिस आर्क, मेजर कर लीजिए, देन सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ से इस पॉइंट से जहां से आपने आर्क को स्टार्ट किया था ड्रा करने के लिए, उस पॉइंट से लेकर आप सेम डिस्टेंस का लेंथ लेकर इस आर्क को कट कर देंगे, कट कर दिया, इस पॉइंट से कट करता है, ठीक है, उस पॉइंट को और पी को मीट कराते हुए एक्सटेंड कर दीजिए। नाउ यू हैव ड्रॉन अनदर लाइन M that is parallel to L passes through P, यानी आपने क्या कर लिया एक अनदर लाइन ड्रा कर लिया M जो कहां से पास कर रहा है P से पास करता है और पैरेलल है इसके L से। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कह रहे हैं, नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, choose any other point R on M to P, draw a line parallel to L. Now join P to any point Q on L, choose any other point R on M to R, draw a line parallel to PQ, let this meet L at F, what shape do the two sets of parallel lines enclose? Let's say मान लेते हैं कि हमने इसको माना नहीं था पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या आपका क्यू है, इन्होंने इतना ही स्टेटमेंट दिया कि आप क्या कीजिए पी को जो पी पॉइंट था इसको एल लाइन के लाइन एल के किसी पॉइंट क्यू से मीट करा दीजिए, तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू ही था जिसे हमने ऑलरेडी मीट कराया था इसको, ठीक है। अगेन ये कह रहा है Q
चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम, आपको क्या करना है एम पे कोई दूसरा पॉइंट आर लेना है, ठीक है, एम लाइन पे आपका पॉइंट आर हो गया, सॉरी मैंने लाइन पे ही शो कर दिया, कोई बात नहीं, आर ऑन एम, टू आर ड्रा अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू, लेट दिस मीट एल ए एट एक्स, अब हमें क्या करना है इस आर से पास करता हुआ एक अनदर लाइन ड्रा करना है दैट इज पैरेलल टू दैट बी पैरेलल टू पी क्यू, ओके, यानी हमें क्या करना है एक ऐसा लाइन ड्रा करना है आर से जाता हुआ जो पी क्यू के पैरेलल हो, तो ठीक है आप क्या करेंगे यहाँ से पी के लिए फॉर्म करना है ना, तो पॉइंट पी के लिए एंगल फॉर्म करो, आर ड्रा करो यहाँ से, यहाँ से ऐसा एंगल फॉर्म हुआ, ध्यान रखना हम जानते हैं अगर हमें इसके लिए पैरेलल लाइन ड्रा करना है तो आप ये देखो अगर ऐसे जाएगा इट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यस सर, बेटा आप बहुत तरह से जानते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सकते हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल दिखा दें, करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दें इक्वल, कई तरीकों से पैरेलल शो किया जा सकता है, बट मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाकर पैरेलल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रा किया थे इस पॉइंट पी से, सेम एज आर कैसे ड्रा करेंगे अब पॉइंट आर पे भी क्या करेंगे, इस पॉइंट आर के लिए भी सेम एज से आप क्या करेंगे एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है ड्रा कर लिया आपने, चलिए ठीक है मान लो, अब इसकी लेंथ को मेजर करना है सेम एज जैसा इससे पहले करते हैं, लेंथ मेजर करने के बाद इस पॉइंट से आर को कट कर देंगे, सॉरी आर्क, आर को नहीं मैं बोलाऊं आर्क बोलाऊं, ओके इस आर्क को क्या करना कट कर देना है, अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को उस पॉइंट को और इस पॉइंट आर को मीट कराते हुए हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया अनदर लाइन दैट इज पैरेलल टू पी क्यू, अब इन्होंने क्या बेटा ये जो सेफ फॉर्म हुआ थोड़ा सा अभी मैं एग्जैक्टली जो हमारा करेक्टली मैंने इसको ड्रा नहीं किया है, अगर आप अच्छे से करते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो सेफ फॉर्म होगा जानते हो कैसा सेप आएगा, ये जो सेप बनेगा पी क्यू आर एंड इन्होंने कहा ये तो एल को एस पे, इन्होंने मान लिया कि एल को ये एस पे इंटरसेक्ट करता है ऐसा मान लो, तो जो पी क्यू आर एस पी क्यू एस आर जो भी है पी क्यू एस आर जो सेफ फॉर्म होगा कैसा सेफ होगा जानते हो, ये इस टाइप का सेफ होगा जिसे आप रोमबस बोलते हैं और पैरेललोग्राम, बट ये पैरेललोग्राम सेफ होगा और उसमें भी स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसे रोमबस बोलते हैं, ठीक है ये क्या होगा पैरेललोग्राम है बेटा पैरेललोग्राम बट आज स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम दैट बी कॉल्ड रोमबस, पैरेललोग्राम तो आप जानते हो जिसके अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होते हैं वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है बट स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं जिसमें आपका रेक्टेंगल आता है रोमबस आता है स्क्वायर आता है और भी होते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोमबस, ये स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है तो इनके भी आप कह सकते हैं सर ये रोमबस होता है बिकॉज इसके ऑल साइड से कौन होंगे, बट इसमें इतना सा डिफरेंस होता है इस एंगल 90 का नहीं होगा बाकी इसके ऑल साइड से कौन होंगे, ठीक है ये रोमबस कैसा शेप आएगा रोमबस शेप आएगा ड्रा करके देखना आप लोग, ठीक है Yes, sir. ध्यान रखना ये आर्क इस आर्क के इक्वल होगा और ये वाला आर्क इस आर्क के इक्वल होगा, ठीक है तभी आप ड्रा कर पाओगे इक्वल, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिस तरह से हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं ये अब देखते हैं, ठीक है करें कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर नोन, जब करें किसी ट्रायंगल के थ्री साइड्स नोन हो तो हम कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये पॉइंट तो किसी मतलब किसी पॉइंट को लेकर इसको डाउट तो नहीं है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस पॉइंट को लेकर जो अभी डिस्कस किया गया,
Now next point is construction of triangles. And in which constructing a triangle when the length of its three sides are known. Construction of triangle. Construction of triangle when its three sides are known. यानी किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना जब इसके थ्री साइड्स नोन हो. लेट्स से एग्जांपल नंबर वन की बात कर लेते हैं. उन्होंने बात किया है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच गिवन दैट ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 6 cm एंड ए सी इक्वल टू 7 cm. अब देख लो यहाँ पे थ्री साइड्स नोन है, तीनों साइड की पता है ना. कट गया था क्या अभी बीच में? अभी कनेक्शन कट हुआ था क्या? बता वॉइस मेरी जा नहीं रही क्या प्रॉपर? आ रही है. ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स थ्री साइड्स आर नोन. ठीक है, करें जब इसकी थ्री साइड्स यानी ऑल द थ्री साइड्स आर नोन देन हाउ टू बी कंस्ट्रक्ट. देखते हैं कैसे करेंगे इसको. ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच ए इज इक्वल टू 5 cm, बी इज इक्वल टू 6 cm एंड ए इज इक्वल टू 7 cm आपका एग्जांपल नंबर 1 गिवन है. फिर इसको कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं. इसके लिए आपको किसका यूज करना होता है? जब भी कंस्ट्रक्शन के लिए मेनली आपको रूलर एंड कंपास का यूज करना होता है ना. तो रूलर एंड कंपास का यूज करके इसको करेंगे. देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोई भी लाइन बीसी, लेट से बीसी आप ड्रा कर ले रहे हैं. लाइन बीसी ड्रा कर लीजिए ऑफ लेंथ 6 cm. मेजर करके रूलर से 6 cm का एक लाइन ड्रा कर लेंगे. ओके, देन आफ्टर क्या करना है आपको? आपको चाहिए ए बी 5 cm. ए बी इट मीन्स बी पॉइंट यहाँ पे, तो ए ही इसी पे लाई करेगा. ए बी लाइन जो है इस पॉइंट से ज्वाइन होके जाएगा ना. यहाँ से हम क्या करेंगे इसके लिए ए बी के लिए 5 cm मेजर कर लेते हैं. रूलर में 5 cm मेजर कर लेना है रूलर का यूज करके. ओके, सॉरी कंपास में 5 cm मेजर कर लेंगे रूलर का यूज करके. रूलर के हेल्प से 5 cm मेजर करके एक आर्क यहाँ से 5 cm का ड्रा करेंगे. ये आपने क्या किया, 5 cm का आर्क ड्रा किया. नाउ पॉइंट सी से हमें ए सी चाहिए 7 cm. अगेन आपको क्या करना है, 7 cm मेजर कर लेना कंपास में रूलर का यूज करके. अब क्या करेंगे, 7 cm का आर्क इस पॉइंट सी से ड्रा करेगा और जो इस पहले वाले आर्क को कट करेगा किसी पॉइंट पे, वैसे यहाँ पे कट करेगा. अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ए होगा. और इस पॉइंट ए से बी एंड सी को ज्वाइन करा देते हैं. इस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया एक ट्राइंगल एबीसी ऑफ लेंथ 6 cm, सॉरी 5 cm, 6 cm, 7 cm. ओके, यस सर. मैं अगर और भी एग्जांपल दिए होते हैं, लेट्स से आपको ट्राइंगल एक पी क्यू आर ड्रा करना है. मान लेते हैं पी क्यू आर ड्रा करना है जिसमें कह रहे हैं पी क्यू इक्वल टू गिवन आपका 7 cm है, क्यू आर इक्वल टू गिवन आपका 4 cm एंड आर पी इक्वल टू गिवन आपका और पी आर इक्वल टू गिवन है
कुछ भी मांग सकते हैं ना। एक मिनट, इसके लिए भी आपको क्या करना है, चाहे तो आप कोई भी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं QR, बेस लाइन हम ड्रा कर लेते हैं QR, आपका रूलर के यूज करके QR लाइन ड्रा करेंगे 4cm का, ठीक है। एक 4cm का QR लाइन ड्रा कर लिया। नाउ अब हमें PQ से ये 7cm, PQ यानी पॉइंट Q के लिए, P के लिए कितना आर्क ड्रा करेंगे, 7cm का एक आर्क ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ 7cm मेजर करके एक आर्क ऐसे ड्रा करते हैं। देन आफ्टर क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आपको करना ये है दूसरे इंच से यानी आर पॉइंट से आपको क्या करना है, आरपी के लिए 8cm का अनदर आर्क ड्रा करेंगे। आरपी के लिए हम क्या करें, 8cm का एक अनदर आर्क ड्रा करेंगे जो ऐसे कट करेगा इसको यही कहीं पर। आप क्या करेंगे, इस क्यू को पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, उस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, और पी मानना भी पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इन्होंने नेमिंग दिया है, ठीक है। ये पॉइंट पी होगा, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, क्यू को आर को पी से ज्वाइन करा देते हैं। ये कौन से आपका, ये 7cm और ये 8cm हो जाएगा। तो बातें तो क्लियर होंगी ना, करना एक ही कॉन्सेप्ट, अनदर कॉन्सेप्ट है नहीं। जो भी आपको सारे साइड में नोन होते हैं क्या करना, कोई भी एक लाइन फर्स्ट भी ड्रा कर लेते हैं, बाकी दोनों लाइन को शो करने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। कंपास का यूज करके आर्क ड्रा करेंगे और दोनों आर्क एक दूसरे को जहां कट करते हैं वो पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा उस ट्रायंगल का, ठीक है। उस थर्ड पॉइंट को बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट है उसे ज्वाइन करा देते हैं। इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल व्हेन इट्स ऑल साइड्स आर नोन, ओके। Now next point is बेटा इतना ही करना आपको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट लेट्स से फोर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। और थर्ड और सेकंड भी देख लो बेटा, सेकंड में क्या करें, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 cm। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 10.2। ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 cm, ठीक है। 5.5 cm का एक लेंथ, पहले कोई भी लेंथ ड्रा कर लेते हैं 5.5 cm का लाइन सेगमेंट। देन आफ्टर क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस मेजर करके यहाँ से आप टू आर्क ड्रा करेंगे, वन फ्रॉम दिस एंड एंड अनदर फ्रॉम दैट एंड, ओके। इन दोनों सिरों से लेकर सेम डिस्टेंस का एक आर्क आप ड्रा करेंगे, यानी 5.5 cm यहाँ से और 5.5 cm यहाँ से, जहां से कट करेंगे तो ये आपका 5.5 cm होगा और ये भी आपका 5.5 cm हुआ। नेक्स्ट टेस्ट मान लेते हैं ए, ये बी और ये आपका सी, ओके। सेम है पॉइंट नंबर, यस सर। पॉइंट नंबर थ्री में इन्होंने कहा ड्रा अ ट्रायंगल PQR विद PQ 4 cm, QR 3.5 cm एंड PR इक्वल टू 4 cm, ठीक है। QR पहले हम क्या करते हैं, QR लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके लिए, बेस लाइन। इसमें उन्होंने लिखा है PQ इक्वल टू 4 cm, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहा हूँ। QR इक्वल टू जिन्होंने गिवन है यहाँ पे 3.5 cm और आपका PR इक्वल टू आल्सो गिवन है 4 cm। तो इसके लिए भी सेम आज कंस्ट्रक्ट करोगे जैसे इससे पहले करके आए हैं आप लोग, ठीक है।
आप क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके लिए। बेस लाइन QR ड्रा कर लिया आपने। अब QR मान लेते हैं ये 3.5 cm हो गया आपका। देन आप तरफ क्या करना है, PQ। आप PQ मीन्स PQ के लिए कितना 4 cm का एक आर्क ड्रा करते हैं। 4 cm का आर्क ड्रा कर दिया, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, पॉइंट आर से थी 4 cm का ही आर्क ड्रा करेंगे, बिकॉज PR आपको 4 cm ही चाहिए। तो 4 cm का नेटर आर्क ड्रा कर दे, पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट से सुबीट करा देते हैं। ये आपका 4 cm, ये भी 4 cm, सॉरी 4 cm, और ये आपका पॉइंट हो गया P। इस तरह से आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया PQR, which is an isosceles triangle। कैसा ट्रायंगल होगा, बिकॉज इफ टू साइड आर इक्वल। मैंने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इट इज एन isosceles triangle, okay? Yes, sir. Because its two sides are equal, आप जानते हो। Now, the next point is constructing a triangle when the length of two sides and the measure of the angle between them are known. SAS criterion. इससे पहले जो आपने किया ये SSS criterion पर था। SS means side criterion था, ठीक है। अब next point की बात करें, SAS criterion means side angle, side. Two sides, height, one angle between them when are known, then how could be construct? Okay, ये अब देखते हैं। जी सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? जी सर। नो सर। Example number second, construct a triangle PQR given that PQ is equal to 3 cm, QR is equal to 5.5 cm and PQR is equal to 60 degrees. Angle PQR. यहाँ पे side PQ given है 3 cm. We have to construct a triangle PQR. Like PQ is equal to 3 cm and कितना आपका QR is equal to 5.5 cm. Then after angle PQR is equal to 60 degrees. So, यहाँ पे आप देख लेते हैं, two sides and one angle is known है. Then we have to construct, okay? A triangle PQR. ठीक है, आप QR line, बेस लाइन ड्रा कर लीजिए. QR. QR line आपने कितना 5.5 cm का ड्रा करेंगे. लेट्स सी, आपका 5.5 cm का QR लाइन हो गया। अब इससे क्या करते हैं आप बेटा, आपको एंगल ड्रा करना है PQR 60 डिग्री। PQR मीन्स एंगल Q, है ना। एंगल PQR मीन्स क्या, एंगल Q के लिए कितना एंगल फॉर्म करना है 60 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, चाहे तो आप कंपास का यूज कर लो या प्रोटेक्टर का, दोनों तरीके से आपको आता है। yes, आप कंपास का यूज करके अगर एंगल ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से एक आर्क ऐसे ड्रा करेंगे और इसको सेम डिस्टेंस से आर्क को वन टाइम कट कर देते हैं यहाँ से, और जिस पॉइंट पे कट करेगा ऐसे मीट कराते हुए इसको स्टैंड करा देते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। एंगल क्यू पे कितने का एंगल फॉर्म हुआ, 60 का। ओके, आपने 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। देन आफ्टर क्या करना बेटा जी, इसमें इन्होंने कहा PQ 3 cm चाहिए, हमने ये पॉइंट डन कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ PQ इसको जो 3 cm चाहिए, आपका ये Q पॉइंट है तो P भी इसी पे लाई करेगा, इसी लेंथ पे लाई करेगा P। अगर ये Q है तो इसका मतलब PQ हमें यहाँ से Q से कितना डिस्टेंस मेजर करके कट कर देना है 3 cm। यहाँ से 3 cm मेजर करके ऐसे इस आर्क को, इस लाइन को कट कर देते हैं 3 cm का आर्क से। जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे हम पॉइंट P बोलेंगे। क्या बोलेंगे, P। और इस पॉइंट P को आप R से ज्वाइन करा देते हैं।
आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है ट्राइंगल विच यू आर इन वेट इक्वल टू 3 PM क्यू आर इक्वल टू 5.5 PM एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 degrees ठीक है yes, अगर आप दूसरे तरह से करते तो ऐसे वही बात है ना तो प्रोटेक्टर का यूज करते तो कैसे करते क्यू आर 5.5 PM प्रोटेक्टर का यूज करके 60 degree का एंगल ऐसे बना देते हैं देन आफ्टर